पर सर, जिस तरह शेख साहब बिल्कुल वो कह रहे थे कि इनका एहतसाब होना चाहिए, आप किस हद तक ये कहते हैं कि एहतसाब हो, फिर इसके बाद इस तरफ जाया जाए या क्या किया जाए? एहतसाब करेगा कौन, सवाल ये है ना। अदालतों में ही होगा, तो अदालतें हमारे यहाँ किस तरह चल रही हैं आपको पता है, महंगे महंगे वकील हायर कर लेते हैं ये लोग और छूट जाते हैं। ये फार्मूले सब फेल हो गए हैं, अभी भी हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं कि इनको ही ले आओ, इनको ही ले आओ। तो मुझे बताएं, अभी 14 जमातें थी पीडीएम में, इतनी सारी जमातें, 16 महीने इन्होंने हुकूमत की, यही जमातें आएंगी, यही लोग आएंगे, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हो कि माहौल चेंज हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। आप कितना भी इनको क्या कर लेंगे, अब ये कितने साल बाहर रहते हैं, कितने साल जेल काटते हैं, अभी तक सुधरे नहीं सुधरे, अभी तक कोई चेंज आया नहीं आया, अब इस बार कैसे आ जाएगा? अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, इनको सुधार के लेकर आओ दोबारा। इनको क्यों लेकर आए, इन सबको नाहेल कर देना, जो जो इन्वॉल्व है उनको सबको नाहेल कर दें, नए लोगों को लाए। अगर लाना ही है, अगर आपकी मजबूरी है डेमोक्रेसी, दुनिया को दिखाना है डेमोक्रेसी, तो फिर नए लोग को ना, इन सबको नाहेल कर दें। नए लोग तो तजर्बेकार नहीं होंगे, वो तो जो तबाह कर देंगे। तजर्बेकार ये लोग तजर्बेकार हैं, ये इनको तजर्बा है लूटने का, मुल्क चलाने का तजर्बा नहीं है, जबरदस्त। हाँ, लूटने का तजर्बाकार अगर आदमी, आपको क्या करना है, नए लोग आएंगे, तजर्बा नहीं होगा, ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को किस तरह चलाया जाता है, वो चल रहा है, चला जब कोई आता है ना, नए लोग आए हुए हैं ना, ये जो केयर टेकर में तो नए लोग, इसमें भी तो सियासी है लोग, इसमें के बराबर है सर। ये केयर टेकर हुकूमत जो है पाकिस्तान की, 25 करोड़ आवाम की इस वक्त उम्मीद है, लोग इनकी तरफ देख रहे हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो सर, सियासी जमातों से सब पेट भर चुके, ये सब खोखले नारे, दावे, वादे, रोटी, कपड़ा, तो यही आवाम तो वापस लेकर आ जाती है। जब देखो सर, आवाम नहीं लाती है सर, ये आवाम नहीं लाती है सर, आवाम नहीं लाती सर, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसका जवाब देता हूं, आवाम नहीं लाती है। आपने तीन ऑप्शन दे दिए किसी को, 1 2 3, उसमें से एक चॉइस करो, तो कोई एक चॉइस हो जाएगा, और तीनों ऑप्शन ही ऐसे हैं तो उसका क्या हाल। बाकी रहा सवाल केयर टेकर, देखिए ये एक सच्चाई है, केयर टेकर को कौन चला रहा है सबको मालूम है। मैं तो यही कहता हूँ, जब आप ही को चला रहे हो तो आप आ जाओ, बाकी कोई बात ही नहीं है। हम इस तरह घुमा फिरा के चला रहे हैं पाकिस्तान को, के जिस तरह से चला रहे हैं इतने सालों से, क्या हसर कर दिया हमने। एक बार आ जाएं, सामने आके बात करें कि भाई ये नहीं, नहीं इस तरह, ये मुल्क डंडे पे चलने वाले मुल्क है हमारे, लाठी होनी चाहिए। हाँ, ये आप डेमोक्रेसी वगैरह, हमारे आम आवाम के पास क्या है, आम आवाम में ऑनेस्टी है। आप अभी गाड़ी का पेंचर बनाने जाएंगे, एक पेंचर होगा चार बोलेगा, कौन सा दूध वाला पानी नहीं मिला था। हर किसी गाड़ी के पास, गाड़ी बनाने के लिए जाएंगे, वो मैकेनिक देखेगा, बोलेगा बहुत ज्यादा काम है, दो दिन रखूंगा, एक छोटा सा चेंज करके दूसरे दिन दे देगा और बोलेगा इतने पैसे। हर आम आदमी भी तो बेईमान है हमारा, तो फिर आपके मुल्क के अंदर कहाँ से पॉलिटिक्स भी, सियासतदान भी तो यहीं से आ रहे हैं। हर छोटा बड़ा भी, कायमा कमेटी की रिपोर्ट आई आज, दुनिया में जो भिखारी पकड़े जाते हैं ना, 90% पाकिस्तानी है, आज की रिपोर्ट है। हम ना अपने बच्चों को सही तालीम दे पा रहे हैं, खाना फ्री खिला खिला के जो थोड़े बोलते उनको भी भिखारी बना दिया, भीख मांगने में हमको शर्म नहीं आती। सऊदी अरब, इराक वगैरह से उन्होंने सफीरों ने बाकायदा भेजा है डिटेल पाकिस्तान की, 90% भिखारी जो हम पकड़ते हैं, 90% पाकिस्तानी भिखारी आते हैं। क्या इमेज हमारी, अब इसका मतलब हुआ कि किसी एक को पूरे मुल्क को चेंज करना पड़ेगा, हर आवाम को चेंज करना पड़ेगा, आवाम को चेंज करना है, सियासतदानों को चेंज करना है, डंडे के अलावा कोई काम नहीं होगा। जो 60-70 साल का दौरानिया, उसको एकदम फौरन कैसे चेंज किया जाएगा, 2 महीने 3 महीने? नहीं, 2 महीने मैं कहाँ कह रहा हूँ, 2 महीने में तो बोल रहा हूँ, इलेक्शन नहीं कराएं, डंडे पे चलाएं इस मुल्क को, तभी सुधरेंगे लोग, अदरवाइज नहीं है। बाकी हम बात कर सकते हैं, अहमकों की जन्नत में रहना है वो एक अलग बात है, पाकिस्तान का यही सोल्यूशन है जो मैंने कहा है, वो कोई भी नहीं है। आप किसी भी तरीके से ले आए, कानून में तरामीम इंशाल्लाह होंगी। अभी अभी डॉलर वगैरह नीचे आया, चीनी वगैरह नीचे आई, डंडे के जोर पे आई ना, कौन से लीगल हुआ है, जो मिला पकड़ लिया, खत्म, तो हुआ ना फर्क। तो हमारा मुल्क का पूरा स्ट्रक्चर इतना खराब है, नीचे से ऊपर तक का स्ट्रक्चर खराब है। कोई भी हो, एक आम आदमी हो कि बिजनेसमैन हो वगैरह, मुझे बताएं यहाँ पर बिजनेस जितना हो रहा है, बगैर पैसे खिला के कोई बिजनेस यहाँ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हर आदमी ऐसा हो गया है, माहौल के अंदर ढल गया है, कौन सा बिजनेस, एक बिजनेसमैन बता दें जो होनेस्टी से अगर बेचारा काम करना चाहता होगा
वो कर नहीं पाएगा। मकसद कहने का हर जगह प्रॉब्लम से एक ऑनेस्टी। अगर कोई आदमी आता है, मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं बाहर से आया था तो मुझे भूत है ना थोड़ा, बाहर से नहीं भाई कानून होना चाहिए। मैं जा रहा था तो मुझे उसने कहा कि लाइसेंस दिखाओ, मैंने कहा लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो बोला आपके ऊपर जुर्माना होगा, मैंने कहा बनाओ जुर्माना, ये मेरा आईडी है। उसने मेरा आईडी लिया, स्लिप निकाल के दे दी 500। मैंने कहा ऑनेस्टी बाबा, बल्ले जुर्माना है। ऑफिस में जाके पर्ची जमा करा दी। मैनेजर मेरा आ रहा है, अकाउंटेंट, बोला ये तो किसी और के नाम की पर्ची है। तो मकसद कहने का है कि ऑनेस्टी से भी किसी को नहीं रहने देते यहाँ पर, तो उसके लिए डंडे का ही इस्तेमाल होना चाहिए। पुलिस हो गई, हर जगह हो गई। मुझे बताएं इतने तालमेल याफ्ता लोग हैं हमारे यहाँ, आपको आईडी देखने के बाद भी नाम जो है वो पर्ची पे कुछ और लिखे नहीं, अब थोड़ा सा नहीं, वो नहीं हुआ। उसने अंदर फीड किया हुआ था। अच्छा। अंदर फीड क्या होगा, उसने पेमेंट की ही नहीं है गवर्नमेंट को, पहले से किसी और की मुझसे पूरे पैसे ले लिए। क्या बात है, हर तरह का तरीका सही कह रहे हैं। लेकिन अभी ऑलरेडी पर्ची, उन्होंने पहले से कोई सिस्टम बनाए रखा है ना कि ऑलरेडी वो पर्ची इशू हो चुकी होगी उस नाम से, और उसी की मुझे दे दी उसने, तो पैसे तो उसके जेब में चले गए। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि यहाँ ऑनेस्टी से भी अगर कोई रहना चाहे तो नहीं रह सकता। उस सिस्टम को चेंज करने के लिए आप हर 5 साल 4 साल में सियासतदानों को लाएं, नहीं हो सकता। किसको ला रहे, किस पार्टी के अंदर, सबके ऊपर तो केस है। एक पार्टी को छोड़ो तो एक पार्टी में काम कर रहा है, यहाँ पर करप्शन में पकड़ा गया है, कुछ अरसे बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी पार्टी से निकल के वो तीसरी में चला जाता है। इस तरह के लोगों को आप आजमाते रहेंगे।